नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अविल गुरु चैनल में। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज हम फिर से आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताने आए हैं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको करवाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको अच्छे से बताएंगे। जहां पे जरूरत होगी बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरे इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमको लगेगा कि हमारे बच्चों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चीज हम ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचा देंगे। तो हम चाहते हैं कि आपका समय ना वेस्ट हो और हम आज से आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग सेक्शन में इसका बहुत ही यूज़ किया गया है। और ये एक पार्ट से देखिए तो एक फिजिक्स का ही सेक्शन हुआ है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक फील्ड है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों फील्ड को मिला के बताया गया है। इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रियल प्रॉब्लम आई है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते थे। या तो हम उस प्रॉब्लम को सर्किट थ्योरी के थ्रू सॉल्व कर दें या फिर उस प्रॉब्लम को हम फील्ड थ्योरी के थ्रू सॉल्व कर दें। तो फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आया है तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। किस प्लेटफॉर्म पे जाके वो बच्चों को बताए कि ये चीज कैसे वो आपको समझा पा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कि पूरे फील्ड थ्योरी में हम वेक्टर एनालिसिस का यूज करेंगे और वेक्टर के थ्रू हम बताएंगे कि जो भी रियल प्रॉब्लम हमको मिल रही है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग डेल ऑपरेटर कहेंगे, उसको पढ़ा जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोग वेक्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सबट्रैक्शंस, कितने तरीके से वेक्टर के बारे में होता है, किस वेक्टर को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर किसको कहते हैं, इन सारे वेक्टर्स के बारे में एक शॉर्ट समरी भी हम आपको बताते चलेंगे। उसी के साथ ही साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में जानकारी देंगे, हम ट्रांसमिशन लाइन में कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम एक एक करके आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट ला के रख देंगे। और विश्वास मानिए हमारा, इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करिए, आपको फील्ड थ्योरी पढ़ने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं हमारे साथ अंशुमान सिंह। अब आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको समझाने की कोशिश करता है किस तरीके से आप किसी भी चीज को यूज करना चाहते हैं। वेक्टर शब्द जैसे आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसके साथ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारे पास होता है इसका मैग्नीट्यूड और सेकंड चीज हमारे पास होता है इसकी डायरेक्शन। यानी कि जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, दोनों चीज की जरूरत होती है, वहीं हम कहते हैं कि ये वेक्टर है। यानी कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने कहा फोर्स, तो फोर्स हमने कहा यह एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे बताया, फोर्स कितना लग रहा है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। हमने कहा स्पीड, अब स्पीड है तो स्पीड में आपको ये नहीं पता चल रहा ना, बस स्पीड है कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड स्केलर में चला गया। यानी कि वेक्टर में वहां सिर्फ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर, जहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। हमने कहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है। हमने कहा टॉर्क, तो टॉर्क हमारा कितना टॉर्क लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे कि हमारा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। जैसे हमने आपसे कहा पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन तो आपने कभी पढ़ा नहीं कि पॉपुलेशन किस में आता है, तो पॉपुलेशन क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको, यानी कि पॉपुलेशन किस में चला गया, हमारा स्केलर क्वांटिटी में चला गया। वहां पे आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, कितना किस दिशा में पॉपुलेशन हो रहा है इससे मतलब नहीं है, वो एक क्वांटिटी के बारे में बता रहा है तो वो स्केलर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, कोई भी एक वेक्टर है, सपोज दैट एक वेक्टर हमने कहा कैपिटल ए,
वेक्टर को हम कैसे नोटेट करते हैं, कोई भी एक कैपिटल लेटर लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर के ऊपर एरो का रिप्रेजेंटेशन हम बता देते हैं वेक्टर है। होता क्या है कि बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि उन्होंने ए को इस तरीके से लिखा है, एक ए ये है और एक ए को उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश की है। बुक में उन्होंने कहा कि जो डार्क है दैट इज कॉल्ड वेक्टर, जो लाइट है वो स्केलर। तो चूंकि वो बुक था, वो कंप्यूटर काम कर रहा था, वो ये काम आसानी से कर सकता था, लेकिन आपका क्या है, आपने नया पेन खरीदा तो ऐसे चलेगा, पेन पुराना हो गया तो ऐसे चलने लगेगा। तो यानी कि आपका पेन डिसाइड करेगा कौन वेक्टर है कौन स्केलर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने क्या किया, इन सब को हटा के कहा ये सिंपल स्केलर है और इसके ऊपर एक एरो लगा दो तो वेक्टर हो जाएगा। यानी कि हम पूरे अपनी थ्योरी में जहां पे एरो डिफाइन करेंगे तो वो वेक्टर को डिफाइन कर देगा, और जहां पे एरो नहीं लगाएंगे आप मान लीजिएगा हम स्केलर की बात कर रहे हैं। स्केलर में जनरली इसलिए लिखा जाता है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हर बार आप मैग्नीट्यूड नहीं लगा सकते, मे बी आप कहीं भूल जाइए नहीं लगा पाए। तो मान के चलिए अगर सिंपल ए लिखा है उस पे मैग्नीट्यूड लगा हो या ना लगा हो दैट इज कॉल्ड स्केलर, अगर उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। एक सिंपल सा नोटेशन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कैपिटल लेटर को हमने एरो दिखाया वेक्टर है, सिर्फ सिंपल लिख दिया स्केलर है। अब इस नोटेशन पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा यूनिट वेक्टर, क्या चीज होती है यूनिट वेक्टर। देखिए क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं, मान लो स्मॉल ए, ए हमने ले लिया, कहा ये यूनिट वेक्टर है तो इसको कैप से डिफाइन करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड आप चल चुके हो, किस कितना उस दिशा में मूव किए हो, उसको डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर कहा गया। यूनिट वेक्टर में क्या है, इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा गया कोई भी एक वेक्टर होगा, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हम कहते हैं वो उस वेक्टर का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आप एक वेक्टर निकालिए, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। अगर इसको वाइस वर्सा हम कहें कि अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका डायरेक्शन, ये दो चीज जहां होंगी वहीं पे हम बताते हैं कि वेक्टर है। तो देखो ए वेक्टर को हमने क्या लिख दिया है, मॉड ए इस तरफ चला जाएगा और एक यूनिट वेक्टर ये आएगा। तो इसने किसको डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड को, इसने किसको डिफाइन किया, डायरेक्शन को। जहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिल गए तो हमने क्या कहा, वो वेक्टर हो गया हमारा। यानी कि वेक्टर के लिए सिंपल क्या है, कोई एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वेक्टर कैलकुलेट हो जाता है। यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है, कोई एक वेक्टर है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यूनिट वेक्टर को लेके, ठीक है ना। तो यानी कि दो चीजें हमने देखी, वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। अब हम आपके पास आते हैं कि सिंपल अगर वेक्टर का एक्चुअली हमें क्या, हमें मूव करना है कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की तरफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में अब वेक्टर का एडिशन सबट्रैक्शन ये सारी चीजें आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े भी हैं, एक बार कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिएगा आपको सिंपल वेक्टर का एडिशन सबट्रैक्शन पता चल जाएगा। अब हम आज इस टॉपिक में मूव करते हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, दो प्रोडक्ट हैं बेसिकली, एक को कहा गया डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि यहां पे वेक्टर जो है सिंपल वेक्टर के तरीके नहीं होते, इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग होता है। तो यहां पे एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको समझाने के लिए देखिए, मल्टीप्लाई हमेशा वहां जहां मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा वेक्टर होंगे तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मान लो हमने कोई एक वेक्टर ले लिया है, कोई भी एक वेक्टर हमने कैपिटल
ए ले लिया है, और हमने कहा एक दूसरा वेक्टर हमने ले लिया है कैपिटल बी ले लिया है। अब कहा गया इन दोनों वेक्टर का क्या करिए आप, डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा। मान लो ये वेक्टर हमारा ए था, ये वेक्टर हमारा ए था और एक वेक्टर हमारा बी है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। हमने कहा एक वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी डॉट प्रोडक्ट करना है। तो फार्मूला क्या हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और इन दोनों के बीच में कॉस एंगल होता है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके किसके बीच का था, ए और बी के बीच में था, यानी कि कॉस थीटा ऑफ ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था हमारा थीटा ए बी, और जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला कितना होता है, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ए बी। देखिए चूंकि ये एक मैग्नीट्यूड है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये भी एक मैग्नीट्यूड है इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट में आता है, cos 30 cos 60 जो भी वैल्यू आप ले लीजिए। तो आपने देखा कि ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, वेक्टर का मतलब जिसमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका फेज मतलब उसके बीच में डायरेक्शन उसका क्या है। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है। तो एक कंक्लूड निकल के आया कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसको कहा जाता है उसका रिजल्टेंट स्केलर आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी इसका एक सेकंड सेक्शन भी हम आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जब हम मूव करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल वेक्टर ले रखा था, अभी ये वेक्टर जो होगा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, जब वहां पे जाएंगे तब आपको इसको डिटेलिंग के साथ चलेंगे कि ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा था। सेकेंड आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये वेक्टर हमारा ए था, एक वेक्टर हमारे पास ये बी है, हमने कहा इनके बीच में एंगल जो है थीटा ऑफ ए बी है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कोई एक वेक्टर हमने ए लिया, इसको हमने क्रॉस किया वेक्टर बी के साथ। याद रखिएगा किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा वेक्टर आता है। अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि अगर कोई वेक्टर रिजल्टेंट में आ रहा है तो उसमें दो चीजें क्लियर हुई कि अगर वो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी होना जरूरी है। यानी कि अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो मान के चलिए कि जो रिजल्टेंट आएगा वो एक मैग्नीट्यूड यानी कि इसका साइन थीटा ऑफ ए बी है, और हमने कहा कि चूंकि ये एक एक वेक्टर हमने ए लिया है, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट वी लिया है, हमने कहा कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनके बीच का एंगल साइन थीटा ऑफ ए बी। ये तो स्केलर का पोर्शन हो गया, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा, यानी कि इसका डायरेक्शन भी कुछ होगा, वो होगा एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को शो करता है, और जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर एक वेक्टर एक ये ए है, एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन एन कैप होती है, और ये डायरेक्शन हमेशा
परपेंडिकुलर होती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, यानी कि फिर से वापस आते हैं यूनिट की तरफ, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। अगर ये डायरेक्शन है यानी कि ये यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर रहा है, अगर ये यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर रहा है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि n कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। इसी वेक्टर का क्या करिए, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ये हमने निकाला वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आता है, जो क्या बताता है, जो हमें बताता है उसके डायरेक्शन के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम न्यूमेरिकल के थ्रू वेरीफाई करेंगे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको वेक्टर का कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताएंगे कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके हम चलते हैं, कितने तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। उस वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा, और इस चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मेरा दावा है फील्ड थ्योरी के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूंगा एक बार सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा और अंशुमान सर को याद कर लीजिएगा। थैंक यू।